हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास सिक्स सब्जेक्ट जीके। हमने यूनिट टू स्टार्ट कर लिया था लिव्स वी ईट, तो इसमें हमने 7 ब्लैंक थी तो वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 है, करी लिव्स हैव लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स लाइक प्रिवेंटिंग इनडाइजेशन एंड एडिंग वेट लॉस। दे ऑल्सो हेल्प योर हेयर ग्रो फास्टर एंड थीकर। तो हमारे हेयर ग्रो होने में ये करी लीव्स है तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। इनडाइजेशन की जो प्रोसेस होती है तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहते हैं। नाउ 9, रेड एमरंथ इज अ वेजिटेबल दैट इज बेस्ट एंजॉय इन सलाड्स। This vegetable has twice as much calcium as milk and much more zinc than eggs. तो इसका नाम है रेड amaranth. Now 10, basil leaves is a natural cure for sore throat, cough and cold. It has lots of anti-inflammatory and antibacterial properties. Now 11, oregano is only leafy source of omega-3 fatty acid. It also contain plenty of vitamin K and antioxidants. Now last is 12, betel leaf is used as a mouth freshener to be eaten after meals. It help aids digestion. It also protect against रेस्पिरेटरी डिसीजेस। तो मतलब ये बेटल लीफ है तो ये जब हम खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें तो हमारे मुंह से फ्रेशनर, मतलब कि हमारा मुंह एकदम फ्रेश रहता है, उसमें से गंदी स्मेल नहीं आती, तो ये फ़ायदेमंद रहता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर फियर अमंगस्ट अस। मतलब कि हमको कई जगह अलग अलग फियर महसूस होते हैं, जैसे कि पानी का हमको डर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। ऐसे ही अलग अलग तरह के यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे ये ब्लैंक मैंने आपको लिख के बताई हुई है, आपको भी अपनी बुक में करना है। तो यहाँ पे पहला है, ब्लैंक इज़ द फियर ऑफ हाइट्स। तो हाइट का जिसको फियर रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। सेकंड इज ब्लैंक इज़ द फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, मतलब कि पब्लिक प्लेसेस में किसी को डर रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, एगोराफोबिया। नाउ थर्ड, क्लस्ट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस। क्लस्ट्रोफोबिया इसको क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। फोर्थ इज एक्यूफोबिया। एक्यूफोबिया इज फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया भी हम इसको बोल सकते हैं, एक्यूफोबिया भी बोल सकते हैं। फिफ्थ इज हेमोफोबिया इज द फियर ऑफ ब्लड। ब्लड से जुड़े हुए जो ब्लड से हमको डर लगता है तो इसको क्या बोलते हैं, हेमोफोबिया। नाउ सिक्स, ज़ूफोबिया इज द फियर ऑफ एनिमल। हमको एनिमल को देख के अगर डर लगता है तो इसको क्या बोलते हैं, ज़ूफोबिया। सेवन्थ, इलोरोफोबिया इज द फियर ऑफ कैट्स। फास्मोफोबिया इज द फियर ऑफ गोश्त। गोश्त यानी कि भूत, तो इसको क्या बोलते हैं, फास्मोफोबिया। नाइन इज नेक्रोफोबिया इज द फियर ऑफ डेड बॉडीज। डेड बॉडीज को देख के अगर डर लगता हो तो उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोफोबिया। नाउ टैकोफोबिया इज द फियर ऑफ स्पीड। एक्सनोफोबिया इज द फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। एंड नाउ लास्ट इज सोमीफोबिया इज द फियर ऑफ स्लीप। इसको क्या बोलते हैं, सोमनीफोबिया। इसको क्या बोलते हैं, सोमनीफोबिया। अब यहाँ पे एक नया यूनिट है, फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग बर्ड्स के पिक्चर्स दिए गए हैं। मैं नीचे बर्ड्स के मैंने नेम लिखे हैं।
फर्स्ट इज दैट काकापो, सेकंड इज पेंगुइन, थर्ड इज रेया, फोर्थ इज टोका है, फिफ्थ पिक्चर है ऑस्ट्रिच, सिक्स है मोआ, सेवन इज कैश्वरी, एट इज इंसेबल, क्या है इनसेंसिबल रेट, नाइन इज इमू एंड टेन इज कीवी। फिर से यहाँ पे एक न्यू यूनिट है, आवर बेस्ट फ्रेंड डॉग, मतलब कि कुत्ते हमारे बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑप्शंस भी यहाँ पे है, तो मैंने टिक मार्क किए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स इज नॉन एज ग्रे गोस्ट, इसका आंसर आएगा बी वेमार्नर, ठीक है। सेकंड इज यू नो दैट द अपोलो वॉज ग्रीक एंड रोमन गॉड ऑफ ट्रूथ एंड आर्ट, कैन यू से विच डॉग इज रेफर्ड टू एज द अपोलो डॉग्स, तो इसका आंसर है ए ग्रेट डेन। नाउ थर्ड इज द ब्रीड ऑफ डॉग इज कॉल्ड द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई डॉग बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज फ्लफी ईयर दैट लुक लाइक द बटरफ्लाई इज विंग्स, विच ब्रीड इज दिस, इसकी ब्रीड मतलब कि इसकी जात क्या है, तो पॉपिलॉन बी, इसका आंसर आएगा बी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, दिस डॉग इज सेड टू गार्ड द टेम्पल ऑफ तिबेट एंड हैंस इज कॉल्ड द लायन डॉग ऑफ तिबेट, विच डॉग इज दिस, तो इसका आंसर है बी तिबेटन टेरियर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच डॉग इज ऑलवेज हैज अ स्माइल ऑन इट्स फेस एंड अ वेग इन इट्स टेल एंड इज राइटली कॉल्ड अ हैप्पी डॉग, तो इसका नेम है पेटिट बेसेट ग्रीफन वेंडिन, इसका आंसर आएगा सी। नाउ सिक्स, दिस डॉग वॉज द इंग्लिश एज कोच डॉग टू रन अलोंग साइड हॉर्सेज एंड इज नॉन एज प्लम पडिंग डॉग, वॉट बीड ऑफ ड्रग इज डॉग इज दिस, डॉग इज दिस, तो इसका आंसर आएगा बी। नाउ सेवन, दिस ब्रीड ऑफ डॉग वॉज इजिप्टियन नोबिलिटी एंड वॉज कॉल्ड द रॉयल डॉग ऑफ इजिप्ट, आइडेंटिफाई इट्स ब्रीड, इसका आंसर आएगा बी शालुकी। नाउ एट, दिस डॉग इज राइटली कॉल्ड द किंग ऑफ टेरियर्स एज इट रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज दैट अ टेरियर हैज, इट कैन बी ट्रेन फॉर पोलिस एंड वर्क मिलिट्री वर्क अमंग अदर थिंग्स, इसका आंसर आएगा ए एल्डन टेरियर्स। यहाँ पे भी बी में जिसका राइट आंसर है, तो इसमें मैंने अंडरलाइन की है, तो ये भी आपको करना है। द जर्मन शेफर्ड इज द मोस्ट कॉमन इन पोलिस वर्क बिकॉज ऑफ इट ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल एंड हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये डॉग की एक ब्रीड है जिसका नाम है जर्मन शेफर्ड। नाउ सेकंड, अ क्रॉस बिटवीन अ गोल्डन रिटाइवर एंड येलो लेब्रेडर इट कॉल्ड अ कोल्डन लेब्राडोर, इसका आंसर आएगा कोल्डन लेब्राडोर, में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको अपनी बुक में ये लिखना है। थर्ड इज द एस्टी बर्नर्ड वॉज ओरिजिनली ब्रेड टू रेस्क्यू द एवेलेंस विक्टिम बरी इन स्नो, तो यहाँ पे अंडरलाइन की है द एस्टी बर्नर्ड। नाउ फोर, द फरोड हाउंड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशियंट इजिप्टियन, इसका आंसर आएगा फरो हाउंड। नाउ लास्ट इज फिफ्थ, द मिनिएचर पॉन्डल इज ऑफ्टन सीन इन
circus is owing to its appearance and high level of intelligence. इसका नाम है मिनिएचर पुडल. नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर वर्ड एनालॉजी. तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये 10 MCQs दिए गए हैं, तो आपको ये करना है. मैंने भी यहाँ पे टिक मार्क किए हुए हैं, आपको भी अपनी बुक में ये करना है. फर्स्ट इज लैम्प, तो इसका आता है गॉड, और इसमें इसका आंसर आएगा पॉपी डॉग. मतलब कि अलग अलग एनिमल्स होते हैं तो उनके किड, उनके बच्चे के नेम यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग, तो उसके कनेक्टेड जो आंसर आए तो वो हमको यहाँ पे टिक मार्क करना है. सेकंड इज ट्रैक्स, तो ट्रेन, और उसका आंसर आएगा रोड ट्रक सी, इसमें आंसर आएगा रोड ट्रक. नाउ थर्ड गिटार इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसमें आंसर आएगा टोमेटो वेजिटेबल्स. मतलब कि जो चीज़ें हैं तो उसको कनेक्टेड जो आंसर आए तो वो हमको लिखना है. सेम रिलेशनशिप्स में जो होता है तो उसमें हमको ये टिक मार्क करना है. फोर इज भरतनाट्यम, डांस एज मैथमेटिक्स, तो उसमें आंसर आएगा डी सब्जेक्ट. नाउ फिफ्थ उर्दू हिंदी एज सितार, तो इसमें भी डी आंसर आएगा सरोद. नाउ सिक्स वर्ल्ड यूनिवर्स, तो उसमें आएगा ए पेज बुक. सेवन टी कॉफ़ी, उसमें आएगा ए टेनिस बैडमिंटन. नाउ एट नेव चीट, उसमें आंसर आएगा डी, आंसर आएगा डी गलीबल एंड कॉन्विंस. नाइन इज मेटिकुलस एंड क्लम्सी, इसमें आंसर आता है बी एक्सपेंड एंड श्रिंक. टेन इज स्टॉव किचन एज टेलीफोन, तो टेलीफोन से कनेक्टेड क्या आएगा डायल बी, आंसर आएगा बी डायल. इलेवन में मेमोरी ब्रेन एज टंग, तो टंग से कनेक्टेड क्या आता है टेस्ट. ट्वेल्व नर्स कंपाउंडर, तो उसमें आएगा सी शिवशिन पीलो.